खबर कश्मीर से। कश्मीर के पहलगाम में बढ़ते प्रदूषण से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। लोग का आरोप है पहलगाम में बने होटल और रेस्टोरेंट का गंदा पानी नदी में डाला जा रहा है, जिसकी वजह से नदी प्रदूषित हो रही है और गंदगी फैल रही है। स्थानीय लोगों का प्रशासन से अनुरोध है होटल का गंदा पानी रोकने के लिए जल्द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाए। आइए सुनते हैं। बहुत सारे होटल है जिसकी गंध दरिया लिदर से मिलती है। सामने जामिया मस्जिद है, लोगों को यहाँ पे मुँह हाथ धोने के लिए आना पड़ता है, इनको मुश्किल होता है। ये दरिया लिदर से मिलती है और यही पानी लोग नीचे जाके पीते हैं। यदि पहलगाम से रईस लोन की रिपोर्ट, आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।